दिनों से, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूं और कैसे कहूं। तब क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया कि जिस शौहर पे मैं इतना नाज करती हूं मुझे धोखा दे रहा है, उसके साथ जिसे मैंने अपने घर में बना दी है? क्यों नहीं बताया मुझे नसर? मैं तुम्हें इस तकलीफ से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस वक्त तुम्हें इस बात का पता चलेगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, वैसे भी जिसे इस बात का एहसास होना चाहिए था उसने तो नहीं किया। तुम क्यों मेरे मुहाफिज बन रहे हो? ये सब आरिफ ने किया। आरिफ ने? ये सब आरिफ की प्लानिंग है। मुझे नहीं पता घर के लिए या फिर दौलत के लिए किस लिए उसने किया है, लेकिन ये सारी प्लानिंग आरिफ की है। रिजवान का कोई कसूर नहीं है इसमें। सर बच्चा नहीं है रिजवान, शौहर है मेरा, दो बच्चों का बाप है, मुझसे बहुत प्यार करता था। तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसने किसी की प्लानिंग की वजह से ये सब रिश्ते, वो प्यार, वो सब कुछ भुला के उस लड़की से रिश्ता जोड़ा है? तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? सच्चे दिल से बताओ, तुम्हें लगता है? उससे बात करके तो देखो। अच्छा, क्या बात करनी चाहिए? उसे बताओ, क्या पता सच्चाई कुछ और हो। सच ये है कि रिजवान तासीर ने मेरी जगह अपनी जिंदगी में मंशा को दे दी। मैं जानती हूं सच, मैं नहीं सुन सकती, सुन सकती उसके मुंह से। देखो फलक, मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूं कि तुम अपने अंदर ये बात ना दबाओ। बाज़ुकात इंसान बात करके भी अपने आप को रोक लेता है, खुद को झंझोड़ कर संभाल लेता है कि मैं किधर जा रहा हूं, ये मेरी मंजिल तो नहीं। तुम्हें लगता है मुझे उसे आवाज देनी चाहिए, उस शख्स को जो अपनी अच्छी भली बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर को, उस सच्चे प्यार को छोड़कर उस लड़की के पीछे अंधा धुन भाग रहा है? बुलाना चाहिए उसको, रुकना चाहिए मुझे, सब कुछ जानते हुए, अपनी आंखों से देखते। तुम भी जानते हो सच के, पता दुख इस बात का नहीं है कि मेरे शौहर ने बेवफाई की है मेरे साथ। गम इस बात का है कि उस महबूब ने बेवफाई की। अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ में, हर बात शेयर किया करते थे हम एक दूसरे से, एक पल नहीं रहा जाता था, इंतजार करता था रात में, से शूट से लेट हो जाती थी, लेकिन
सबसे ज्यादा तकलीफ बात पता क्या, कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी जगह किसी और को दे, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया है आंखों के सामने। मेरे ही घर में मेरी जगह पर कोई और लड़की आ जाती है, वो जिसे मैंने रखा फिर। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? फलक अपने आप को छोड़ कर यार, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। शायद तासीर को वक्ती तौर पर अट्रैक्शन हो गई हो, वो वक्ती तौर पर सही या हमेशा के लिए से किसी की तरफ अट्रैक्ट तो हो गया ना, मेरी मोहब्बत को तो भुला दिया उसने, मेरे प्यार के हजार से तो निकल गया। मेरा क्या है, मेरा घर है वो, मैं उसकी मकीन, जाना तो मुझे उसी के घर। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। बहुत मजबूत हूं मैं, दिल टूटा है मेरा। राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशे मन। गुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है ख्वाहिशें और जागते हैं तन मन। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। चली गई, वो तो हमेशा डैड के लिए केक बनाती है। पता नहीं आ रही होगी, आप फिक्र मत करें। और ये वहां से देखिए निकल रहा है। हाँ सही से लगाए, सर भी आने वाले हैं आज। क्या बना रही हो ऋषभ? मैं डैड के लिए कार्ड बना रही हूँ। वाओ, ये क्या लिखा है आपने? बर्थडे। बर्थडे? बर्थडे, बर्थडे। मैं भी सर को विश करूंगी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आप पूछो घर से, ये घर किसका? मैं सुन रही हूँ घर क्या कह रहा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो फिर कह दो कि तुमने इस घर को कबूल किया। क्यों? ये खूबसूरत तोहफा मेरे दिल को तुम्हारे लिए अच्छा लगा। उस दिन तुम रो रही थी, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि काश मैं ये घर खाली कर दूं और तुम्हें दे दूं।
ये मुमकिन नहीं है, जैसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो घर फलक का है। हाँ, वो घर फलक का है, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए कर दिया। कैसा लगा? काश हम इस घर में बरसों से रह रहे होते, काश हमारी जिंदगी में इस घर में हम दोनों के सिवा कोई ना होता, काश तुम मेरा इस घर में इंतजार कर रही होती। काश मैं ऑफिस से सीधा इसी घर आता। अभी भी मैं ऑफिस से सीधा यहीं आ रहा हूं और तुमने मुझे चाय या खाने को पूछा ही नहीं। मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये घर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अच्छा नहीं लगा? पसंद आने की बात नहीं है, इतना बड़ा घर बगैर किसी रिश्ते के एक्सेप्ट करना ठीक नहीं लगता। ये मेरी मोहब्बत को मशकूक कर देगा। अगर डैड के अच्छे दिन होते ना तो मैं ये गिफ्ट आसानी से एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन डैड अभी बहुत मुश्किल में आपके घर में रह रहे हैं। इतना बड़ा तोहफा मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। मेरे लिए आपका यहां होना, मेरे साथ काफी है। आपकी मौजूदगी, आपके अल्फाज, आपकी मोहब्बत, आपकी फिक्र, आपका मुझे देखना, मेरे लिए काफी है। मैं अभी आती हूं। देखो 12 बज गए हैं, अभी तक ना डैड आए हैं और ना ही मॉम। आ जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उनको फोन कर रही हूँ। अगर तुम उनको सरप्राइज के बारे में बता दोगी तो सब सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैं उनको सरप्राइज के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उनको विश करूंगी और उनको कहूंगी घर जल्दी आ जाए। हेलो डैड, मैं निशा हूँ। हैप्पी बर्थडे डैड। थैंक यू सो मच माय लव। डैड आप कहाँ हैं? आप आए क्यों नहीं अभी तक? यार मैं ऑफिस में हूँ, ये भी थोड़ी देर लगेगी, आप सो जाओ ना। बस आप अभी हैं। कहाँ है बेटा? पता नहीं, अभी तो यही थी। आप आ रहे हैं ना प्लीज डैड? My love, I'm coming. Thank you so much, Dad. I love you. Bye. I love you too.
अच्छा हुआ। सॉरी मंजू, अब हमें जाना होगा। अभी आप मुझे दिया हुआ अपनी मौजूदगी का गिफ्ट मुझे वापस ले रहे हैं। नहीं मंजू, ये मेरा प्यार का तोहफा है तुम्हारे लिए, कभी भी नहीं वापस ले सकते, कभी नहीं। अभी हमें चलना हो। एक सेकेंड, हैप्पी बर्थडे। I hope you have many, many more. तुम मेरे साथ रहो। मैं यही हूँ आपके साथ हमेशा। हाय पलक। और आसमां पिघलने लगे, गिरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम, है नैनों में। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच डैड। देखिए मॉम ने आपके लिए केक बनाया है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मॉम। आए ना डैड के साथ केक काटते हैं। आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? चलिए केक काटते हैं। मॉम आए डैड के साथ केक काटते हैं। काटे
कि आप सो जो जाते हैं टाइम नहीं दिखा रहे हैं, स्कूल पे जाना है। चलो मैम जी मैम चलो। और सर एक तस्वीर खिंचवा लो। हाँ निशा तुम मॉम एंड डैड के साथ बैठो और रानी तुम तस्वीर खींचो। इस वक्त कहाँ गई थी? जब तुमने फोन किया तो उस वक्त तो घर पे थी। जरूरी काम से गई। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? वैसे जरूरी काम जिसकी वजह से तुम भी घर नहीं आ सके। बच्चों के सरप्राइज का नहीं पता? पता था। उनके साथ मिलके तुम्हारे लिए घर सजाना चाहती थी, मगर तुमने आने से इनकार कर दिया। वक्त नहीं था तुम्हारे पास। बात वक्त की नहीं, मीटिंग थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अटेंड करना जरूरी। और क्या करना? बहुत इम्पोर्टेंट था वहां रहना, घर से भी ज्यादा। चीजों में मुकाबला नहीं होता। घर अपनी जगह पे, बाकी चीजें अपनी जगह। बच्चों को देखकर आती हूँ। मैं तुम्हें इस तकलीफ से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस वक्त तुम्हें इस बात का पता चलेगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे, बिखरने लगे। गुड मॉर्निंग मंशा, आप कहीं जा रही हैं? आप यहाँ इस वक्त? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता। I'm so sorry, मैंने वो बोर्ड नहीं पढ़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि नसर का अंदर आना ममनू है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ओके, मगर आप अंदर आ सकती हैं, अपना ही कमरा समझो। आप यहाँ फलक से मिलने आए? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आपके कमरे में फलक से ही मिलने आया हूँ। यू डोंट माइंड है ना? फलक? फलक कहाँ है? फलक बता दें, बैठे बैठे। वैसे आप कहीं जा रहे हैं? जी
मैं ऑफिस के लिए निकलने लगी थी। ऑफिस? अभी 9:30 बजे? जी, अक्सर नॉर्मल लोग इसी टाइम पर ऑफिस जाते हैं। नॉर्मल नहीं, बोरिंग लोग। तंग नहीं आते अपनी लाइफ से? रोज वही रूटीन, वही जॉब। खैर, मैं चाहता हूं कि मैं आपको आज शाम एक बुक रीडिंग पे लेके चलूं। मुझे पता है कि वो नॉवल आपका फेवरेट नॉवल है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ वहां बुक रीडिंग पे चलें। आप मुझे बुक रीडिंग पर लेके जाना चाहते हैं? नहीं, आपको थोड़ी लेके जाना चाह रहा था। वो तो मैंने रानी को चाहता था कि रानी मेरे साथ चले, लेकिन रानी ने मुझे इनकार कर दिया। अब प्लीज इस मजबूर दिल को मना मत कीजिएगा और प्लीज मेरे साथ चलिएगा, प्लीज। और यकीन कीजिए, एक भी दिन अगर आप ऑफिस ना गईं तो कहीं से तासीर इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, प्लीज। अरे कहाँ थे तुम जाने, रात कमरे में नहीं आई? लेकिन तुम आए तो नहीं मुझे बुलाने के लिए? हाँ, मैं समझा तुम बिजी हो इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो टाइम आना पसंद नहीं, अचानक क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है पसंद या ना पसंद होने से? जब जिंदगी अक्सर आपको ऐसे वाकयात का सामना करने पर मजबूर कर देती है जो आपकी मर्जी के खिलाफ होता है, टाई बांधना तो छोटी सी बात है। सॉरी, कल रात में लेट आया, काम है बहुत व्यस्त। कोई बात नहीं, बाय द वे हैप्पी बर्थडे जानम। मंशा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हाँ, सर आपके साइन चाहिए। मंशा नहीं? नो सर, वो तो आपके साथ आती है। सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे, बिखरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनो।
वेलकम मिसेस तासीर, वेलकम। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तो मिसेस रिजवान तासीर, मिसेस फलक रिजवान तासीर, या फिर सिर्फ फलक। हाँ सिर्फ फलक बहुत बेहतर लगा। मिसेस तासीर सूट नहीं करता तुम्हारे से। मिसेस फलक आरिफ जिक्रिया, वाओ दम है इस नाम में, हाई क्लास का नाम, जैसा कि आपको पसंद है। तुम्हारी जुरत कैसी हुई अपने घटिया नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने की? क्यों, इसमें क्या बुराई? वैसे भी बहुत जल्द आप बेनाम होने वाली, मैंने सोचा कि अपना नाम आपको तोहफे में दे दूं। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारा अच्छा वक्त याद आता है, जब तुम्हारे पास पैसा था, बड़ा घर था, शान और शौकत थी। लेकिन अब तुम्हें देखती हूँ ना, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि किस्मत ने तुम्हें अब वो दिया है जिसे तुम डिजर्व करते हो। तुम हो ही इसी काबिल। रिजवान के सामने एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाते। अब और पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देती हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ। ये लो, उठाओ इसे, दफा हो जाओ यहां से। इतना गुरूर, तुम मुझ पर पैसे फेंकोगी? किस बात पर? भूल गई हो तुम अपनी असलियत क्या है? थिएटर में काम करने वाली एक मामूली एक्ट्रेस होती थी तुम, जिसे इसी रिजवान ने खैरात में इस तासीर का रुतबा दिया था। वही रिजवान जो तुमसे दूर रहने के लिए ऑफिस में काम करता है। तुमने क्या अंधा समझ रखा है मुझे? वैसे भी ये शादी आखिरी सांसें ले रही है। तुम्हें क्या तुम्हारा दिल बहलाने के लिए वो मस्खरा नजर है? फिर तुम्हें रिजवान की कमी क्यों महसूस होगी? क्यों महसूस होगी तुम्हें? वाह, अब तो तुम एक मॉडर्न बीवी हो, एक अमीर आदमी की बीवी। सारे तकाजे पूरे कर रही हो तुम, लुटाने के लिए शौहर की दौलत और दिल बहलाने के लिए वो सो कॉल्ड दोस्त। इससे ज्यादा तुम्हें मैं और कुछ नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट।